हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी की तरह चली होगी। तो आज था मेरा एग्ज़ाम IBPS PO प्री का, और 85 अटेम्प्ट रहे मेरे। और कैसे कितना रहा बाकी वो आगे बताता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस दूंगा मैं वीडियो के एंड में, लेकिन इस वीडियो में मेनली हम देखने वाले 3 पजल जो मेरी शिफ्ट में अभी के एग्ज़ाम में आई थी। और जो पहली पजल है वो है ये, जिसमें मैं फंसा था। ठीक है, हम पहले सॉल्व करेंगे इसको, फिर बाकी बातें करते हैं अच्छे से। तो 6 लोग हैं, 3 डिफरेंट मंथ में बॉर्न हुए हैं, 2 डिफरेंट डेट को। ठीक है, सब जैम लाइक करते हैं, लेकिन अलग अलग, कोई भी 2% एक ही जैम पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम इसको। तो हम पे डेट है 6, फिर 19, अगेन 6, अगेन 19, अगेन 6, अगेन 19। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन वहाँ पर आने में दिक्कत आ गई थी। सितंबर यानी 30 का है, अक्टूबर 31, नवंबर 30। जो भी कंपोर्ट वाला है, ठीक है, ऑड नंबर डे पे है, तो हम लिख लेते हैं इसको कंपोर्ट। तो ये एग्जैक्ट ऐसा ही था, जितनी कंडीशन मुझे जाती है उसमें मैंने बना दिया इसको। यानी 19 में है, लेकिन 19 किस में? जो 30 डेज वाला, उस वाले 19 में 2% है। कंपोर्ट और उसका नाम भी तजीब से, कंपोर्ट और सी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, 1% एक ही पर्सन है, वाई और फ्रूट बटर के बीच में। वाइट और फ्रूट बटर को हम FB लिख सकते हैं। कह रहा है सी से पहले जितने लोग हैं, वाई के बाद उतने लोग हैं। कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, सी के ऊपर जितने, वाई के नीचे उतने। ठीक है, बी जो है एक्स से एक दिन, मतलब किसी भी एक दिन पहले बॉर्न हुआ है। ठीक है, लेकिन वाई ए के बाद है, लेकिन तो ऐसे है। और इन दोनों में से कोई एक प्रिजर्व पसंद करता है। एक्स जो है इमिडिएटली आफ्टर जेली जैम वाले के, तो जेली जैम वाला जहाँ पे भी होगा उसके ठीक बाद एक्स होगा। ये प्रिजर्व वाला नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो प्रिजर्व वाला है वो एक्स ही होगा। ठीक है, जो ये क्या लिखा है मार्मलेड वाला है वो कंजर्व के ऊपर है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे ऊपर से। अगर हम सितंबर में कंपोर्ट वाला यहाँ रखते हैं, 2 छोड़ के सी यहाँ रखना पड़ेगा। सी के नीचे एक दिख रहा है, तो वाई के ऊपर एक होगा। वाई से एक छोड़ के फ्रूट बटर है। ओके, और क्या रख सकते हैं? एक्स प्रिजर्व है और उसके ऊपर जली जम है। क्या मैं एक्स यहाँ रखता हूँ तो जली जम यहाँ रख दूंगा? लेकिन एक्स तो प्रिजर्व है, ऊपर होगा नहीं, तो नीचे ही बचा एक्स प्रिजर्व है, उसके जस्ट ऊपर जली जम वाला है। कंजर्व के ऊपर मैम क्या है ये? कंजर्व के ऊपर मार्मल हेड वाला है। ठीक है, एक्स के ऊपर बी है, बी के ऊपर ए है, लेकिन ए जो है मार्मल हेड नहीं होगा। ये कंडीशन होगी एक, यहाँ पे कंडीशन ऐड होगी ए, कंडीशन ऐड होगी ए डज नॉट लाइक मार्मलेड, कि लास्ट में मार्मलेड बच रहा था मेरे पास और वो ए नहीं था, तो ए यहाँ नहीं आएगा, तो ए को यही रखना पड़ेगा, बी को यही रखना पड़ेगा, और जो भी बच जाएगा पर्सन वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये पजल था जिसमें मैं फंसा था, क्योंकि मैंने उसको नीचे से स्टार्ट किया था, फिर कंडीशन सेट नहीं हो रही थी। चलो एक और देखते हैं। तो ये भी 6% वाला है, 6 अलग अलग बिल्डिंग में बैठते हैं, तो उसको बनाते हैं। चलो कैसे क्या रह सकते हैं? तो 6 है, तो यानी हमको रखना पड़ेगा इसको 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 6 लोग हैं, अलग अलग बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग पे बैठे हैं, और सब अलग अलग फ्रूट पसंद करते हैं। बी जो है इमिडिएटली अबव है मैंगो के, तो मैंगो से इमिडिएटली अबव बी है। ठीक है, बी हु लिव्स, बी नहीं, मैंगो वाला इवन पे है, ओनली 1 फ्लोर गैप है बी और एप्पल के बीच में, बी और एप्पल के बीच में 1 फ्लोर गैप है। ठीक है, जी लाइक्स नहीं है, यहाँ पे लिव आएगा। ठीक है, जी लिव्स लिवले एप्पल। ठीक है, तो एप्पल वाले के ठीक ऊपर जी है, एच के एकदम नीचे है। ठीक है, कीवी वाला गोवा वाले के एकदम ऊपर है,
गुआवा के एकदम ऊपर कौन है? कीवी है। तो के जो है कीवी पसंद नहीं करता। दो फ्लोर का गैप है एप्पल और बी के, एप्पल और बनाना के बीच में। तो एप्पल और बनाना के बीच में दो फ्लोर का गैप है। बी लिव्स अबव जी, ठीक है। तो बी जो है जी के ऊपर है। कंडीशन आपको समझ नहीं आ रही, मुझे समझ आ गई, ठीक है। ए ऑड पे है, ए ऑड पे। अब मैं उसको बनाऊंगा पहले जहाँ से गलत हो रहा है, सही वाला हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया था मैंगो से, मैंगो इवन पर होना चाहिए। तो इवन पे मैंगो यहाँ रख सकते हैं? नहीं, ऊपर बीच ही है। मैंगो यहाँ रख के देखते हैं, मैंगो की यहाँ रखता हूँ मैं बी, या बी के नीचे जी एक छोड़ के, बी के नीचे जी नहीं, बी के नीचे एप्पल है, बी के नीचे एप्पल है, या बी से एक छोड़ के एप्पल है, बी से एक छोड़ के एप्पल है। तो एप्पल यहाँ, ठीक है। एप्पल से दो छोड़ के बनाना, एक दो छोड़ के यहाँ आ जाएगा बनाना, ठीक है। और कीवी गुआवा के लिए फिर यही जगह बची, कीवी और गुआवा एक साथ चाहिए। ऑरेंज बचा, ऑरेंज यहाँ फिट हो जाएगा। चलो एप्पल के ठीक ऊपर जी है, के चाहिए, के कीवी नहीं है, तो के एच ए ऑड पे, एंड हमारे पास कुछ बचा, वो एक पर्सन बचा है, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सेट हो गया, ठीक है, ये सेट हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ गलत है पक्का, क्योंकि ये ऐसा नहीं बनाता। ये देखो ये कैसा बनेगा, ये मेमोरी बेस्ड है, एक दो कंडीशन इसमें पक्का मिसिंग होगी जो मुझे याद नहीं आ रही है। सेट हो गया, लेकिन कुछ कुछ गलत हो रहा होगा। सेट हो गया लेकिन पक्का कुछ गलत हो रहा होगा इसमें। अरे कलर चेंज हो गया। चलो सेट कैसे हुआ था, ये मैंगो को यहाँ रख के उसके ठीक ऊपर बी, ठीक है, बी के नीचे जी चाहिए और जी एप्पल के इमिट ऊपर है, तो एप्पल को ये रखना पड़ेगा, जी यही होगा। एप्पल से दो छोड़ के यहाँ बनाना वाला है, तो फिर गुआवा कीवी यही हो जाएंगे, गुआवा और कीवी यही हो जाएंगे। कीवी वाला के नहीं है, कीवी वाला के नहीं है, या गुआवा वाला के नहीं है, ठीक है। केड़ में गुआवा है, गुआवा पे है, ठीक है। गुआवा पे नहीं है के, तो के ए रखेंगे, एच ए रखेंगे, ठीक है। ए ऑड पे ए रखेंगे और जे ये बनता है। ये पर्सन कौन था? और ये था ऑरेंज। ये फाइनल सेट हुआ था। चलो ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, सिंपल सा बहुत ही, ठीक है। एक रो में बैठे हैं, हम रो में नहीं बनाएंगे इसको, छः लोग हैं, वेट के हिसाब से है। तो छः पाँच चार तीन दो एक, इसको हम ऐसे बनाएंगे। बी ई से भारी है, तो बी जो है ई से भारी है, बट एफ से नहीं है, एफ से ज़्यादा नहीं है। ए ई से भारी है, तो ई के ऊपर ए है, बट एफ से ज़्यादा नहीं है ये भी। डी एफ से भारी है, तो डी एफ से भारी है। यहाँ पर चलेगा डी सबसे भारी है, देखो एक एक दो तीन लोग से भारी है डी, ठीक है। ई इज़ नॉट द लाइटेस्ट, तो ई के नीचे एक और पर्सन है। तो यहाँ हमको यह क्या पता चल गया कि डी तो यही आएगा, ठीक है। बाकी सबसे बड़ा है एफ, तो एफ यही आएगा, ठीक है। बाकी दोनों ई के ऊपर है, तो ई यही आएगा। कौन बच गया? सी सबसे नीचे आएगा, पर इन दोनों का मुझे नहीं पता है बी और ए में कौन किससे भारी है, ठीक है। बी हैवियर देन ई, ठीक है, बी ई से भारी है बट नॉट एफ के बराबर नहीं है। ए ई से भारी है बट एफ के बराबर नहीं है। डी एफ से भारी है लेकिन, और ई जो सबसे भारी है, तो ये इधर और बन जाएगा ए और बी का। अब मैं उससे पूछा था कि सबसे लाइट वेट वाला कौन है, तो सी था, ठीक है। तो ये था तीन क्वेश्चन, मेरे को ज़्यादा ठीक से याद नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाया, लेकिन बाकी प्रॉपर वैसी ही आई थी चीज़ें, एक दो कंडीशन ऊपर नीचे हो सकती है। मैं अपना अटैम्प्ट बताता हूँ, तो पेपर बड़ा अच्छा था, 85 अटैम्प्ट हुए मेरे, और मेरा पढ़ा था सरिता विहार में, सेकेंड शिफ्ट थी 10:30 वाली, और उस सेंटर में पिछले साल मेरा उस सेंटर में था, तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, क्योंकि इस बार नहीं जैकेट उतरवाई ना ही जूते उतरवाए, युवा की सिक्योरिटी थी टाइट होती नहीं है, बहुत नॉर्मल सिक्योरिटी होती है। और फर्स्ट फ्लोर भी था मेरा, एंट्री भी सही टाइम पे ली थी मैंने। वैसे मैं लेट हो गया था, लेकिन एंट्री मेरी सही टाइम पे हो गई थी, तो मुझे हार्डली 15 मिनट बैठना पड़ा होगा अंदर, मतलब थोड़ा लेट गया था, तो मेरे को अंदर ज़्यादा देर बैठना नहीं पड़ा, और रफ शेड भी आ गई गलती से मेरे साथ,
और एग्ज़ाम भी अच्छा गया, जैकेट पहन के गया था, उतारी मैंने, भैया डल जैकेट थी, छोड़ो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश डिसेंट था, 28 अटैम्प्ट थे, वैसे 30 अटैम्प्ट किए थे मैंने, लेकिन क्लोज टेस्ट में 2 में जो डाउट लग रहा था तो मैंने उसको अनमार्क कर दिया था। देन क्वांट की बात करें, क्वांट में और हो सकते थे, तो क्वांट मेरे 26 ही हुए। रीजनिंग में भी एक पजल में फंस गया था, तो पजल 4 नंबर का था, तो पूरा छूट गया वो, तो 31। ऑल ओवर एग्जाम का बोलता हुआ अगर तो ईजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट बहुत कम थे, 20% मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ लेकिन ट्रिकी था, समझने में टाइम लग रहा था, ध्यान अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, ऐसा था। ठीक है, पिछले वाले साल की तरह ही था ऑलमोस्ट, कट ऑफ 55 से 58 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसके बीच से जानी चाहिए, बाकी देखते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी मैं इसकी स्ट्रैटेजी डालता हूँ 1-2 दिन में, जीए की भी इंग्लिश की भी बहुत सारा काम है मुझे पता है, कर देंगे। चलो तो प्रीवियस पेपर मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और कोई डाउट रहता तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।